किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। और ऐसा ही सिद्धार्थानंद ने बोला पठान वन के पठान पार्ट टू, कि पार्ट वन तो हिट हो गया, अब बारी है पार्ट टू की। और आप जितने भी फैंस हो ये जानना चाहते हो कि पार्ट टू पठान का सेकंड पार्ट की शूटिंग कब स्टार्ट होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पठान टू का क्या क्लाइमैक्स होने वाला है, कौन कौन आपको स्पाई यूनिवर्स में इस बार क्या नया ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं गोपाल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल। और आज हम बात करेंगे पठान टू में, अगर इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो सिद्धार्थ आनंद द्वारा वायरएफ द्वारा एक फिल्म जो पूरा एक स्पाई यूनिवर्स को लाया गया था, फिल्म की कलेक्शन 1000 करोड़ से ऊपर है ग्लोबली, भारत में इसकी कलेक्शन है 550 करोड़। बहुत ही बेहतरीन फिल्म, कमाल की फिल्म, शाहरुख खान का इससे 4 साल बाद इससे कमबैक हुआ था। और गोपाल भाई मुझे बताएंगे कि उनको कैसी लगी पठान। मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, मतलब फैमिली एंटरटेनर तो है, आप थिएटर में जाके ये नहीं बोल सकते कि क्या बेकार फिल्म है। फिल्म सही, मतलब ना बहुत ज़्यादा अच्छी लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं, ओके ओके फिल्म थी, 5 में से 3 स्टार तो बनते हैं। तो गोपाल भाई पार्ट टू के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, और पठान वर्सेस टाइगर भी बीच में चल रहा था, और टाइगर 3 में भी शाहरुख खान नजर आए थे कैमियो के रूप में, जिस तरह पठान में जो थे सलमान खान नजर आए थे, तो इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है, क्या कुछ क्लाइमैक्स इस बार होने वाला है, क्योंकि मैं बीच में सुन रहा था कि वॉर के कुछ लोग और सब स्पाई यूनिवर्स को एक साथ लाया जाएगा। यह है कि लाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्वल अपना यूनिवर्स इस तरीके से हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं वो देखते हुए, तो हम लोग इंडिया में भी देखना चाहते हैं, चाहे स्पाई यूनिवर्स हो या इस तरीके से अलग KGF यूनिवर्स हो, अलग अलग यूनिवर्स बन रहे हैं, वैसे हम उम्मीद करते हैं कि उसी तरीके से। लेकिन पठान वन का जिक्र किया, जिस तरीके से थिएटर में जो माहौल था ना, मतलब अगर आप देखें तो अलग ही था क्रेज, क्योंकि जिस तरीके से जवान या पठान जिस तरीके से अलग ही क्रेज पर, और शाहरुख खान का ऑरा भी अलग है ना अंकित भाई, अगर देखें एक्शन तो, बड़ी टाइम बाद कर एक्शन बहुत दिन बाद, और जिस तरीके से किया, मतलब बैक टू बैक दो फिल्में और जिस तरीके से हिट रही, तो जाहिर सी बात हो कोई बड़ी फिल्में बनती हैं तो उसका पार्ट टू तो इंतजार रहता ही है। लेकिन ये भी है ना कि उसको मैच कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वही है कि पार्ट वन अगर इस सेट पे है तो आप उसको यहाँ कह रहे हो कि 2000 करोड़ इस पर जाएगा, 2000 करोड़ तो नहीं पर हाँ फिल्म के हिसाब से आपको थोड़ा सा ऊंचा ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जवान यहाँ था तो उसको थोड़ा सा यहाँ तक छोड़ के 3 में आप उसको मैच कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस तो फटेगा ही। लेकिन और मैं ये भी गोपाल भाई ये भी पूछ रहा हूँ आपसे, सॉरी काट रहा हूँ, की बात की सलमान खान भी नजर आएंगे पठान टू में, हो सकता है वैसे दो भाईजान अगर दिख जाए तो बिल्कुल अलग ही लगेगा, और जिस तरीके से आपने बोला कि वॉर यानी ऋतिक रोशन भी उसमें हो सकता है, बिल्कुल दिख सकते हैं, और अगर वो सारे दिखें क्लाइमेक्स में जिस तरीके से तो भाई तालियां सीटियां मतलब सभी फटने वाले एक तरीके से, वो उसने कुर्सी की पेटी बाद लो मौसम बिगड़ने वाला है, तो मौसम बिगड़ने वाला है बॉक्स ऑफिस का भी, क्योंकि आ रहे हैं भाई हमारे शाहरुख साहब दोबारा एक फिल्म को लेकर। और फिल्म की अगर शूटिंग स्टार्ट डेट अगर बता दूं कब से शूटिंग स्टार्ट है, तो इस साल दिसंबर के एंडिंग में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी गोपाल भाई, और मुझे लगता है अगले साल 2025 में ये फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा बड़ी 70mm की स्क्रीन पे। काफ़ी प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं इस समय शाहरुख खान, और इसी बीच फैंस के लिए उनकी ये खबर उनकी कहते हैं ना खुशी की एक लहर फैला देती है। और शाहरुख खान की अगर खबर हो, और मुझे नहीं लगता कि उनके फैंस इस खबर पर रिएक्ट ना करें, तो खबर के पीछे की कहानी हमने आपको बता दी है, और पठान टू के लिए हम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और आप लोग भी ज़रूर होंगे। अगर एक्साइटेड हैं तो अपनी एक्साइटमेंट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो है? दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे भाई बड़े यार, तुम कर दो यार, लाल बटन है, फ्री सब्सक्रिप्शन है, कर दो, अभी तक किया नहीं है मुझे पता, तुमने लास्ट तक देख लिया है, कर दो, बड़े तेज हो रहे हो, कर दो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ऐसी हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी हमें सपोर्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। और एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड और हॉलीवुड सारे जितने भी जगत हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, उसकी ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों इतने, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ ऐसी मनोरंजन खबर के साथ, तो गोपाल चलते हैं, क्या बोलते, चलो 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 चलो।